Hey, are you searching to me? Sophia is here. Ta-da! Hey everyone, this is Priya and you are watching Priya Vidyards. So in this video, I will show you how to give a black dark background to your sketch. So let's see. तो ये हमारा स्केच है और इसी की बैकग्राउंड को हमें करना है ब्लैक। तो हम कैसे करेंगे ब्लैक, तो देखते हैं। तो ये है ग्रेफाइट पाउडर जिसको मैंने घर पे ही बनाया था और मैंने कॉटन के थ्रू इसे ब्लेंड कर दिया। इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलता है देखने के लिए। मैं ये अभी दो तरीके दिखाऊंगी आपको, ये एकदम से डार्क ब्लैक कैसे करना और एक लाइट ब्लैक। कॉटन और टिश्यू पेपर मुझे दोनों ही सेम लगा, लेकिन हमको टिश्यू पेपर ज़्यादा इजी लगा होल्ड करने के लिए। एंड ब्लेंड करने के बाद टेंडी पेंसिल चला देने से पूरी तरह से ब्लैक बैकग्राउंड मिल जाता है बिना किसी मेहनत। तो ये ग्रेफाइट है इसलिए लाइट में थोड़ी थोड़ी शाइन कर रही है, बट आप यही मेथड यूज़ करना, काफ़ी ईजी, बहुत ज़्यादा हमको ईजी लगा। तो मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर से ही बैकग्राउंड को पूरी ब्लैक कर रही हूँ ग्रेफाइट पाउडर की हेल्प से। तो आपको पहचान में भी आना चाहिए कि कौन से स्केच में हमें बैकग्राउंड डार्क करनी है और नहीं करनी है, क्योंकि जो ये मेरे स्टैचू की जो स्केच है वो आप देख रहे होंगे कि एक साइड से लाइट आ रही है एंड दूसरे साइड से मतलब बीच में ही डार्क है और दो साइड से लाइट आ रही है। तो अगर मैं इसकी बैकग्राउंड को मैं डार्क करूँगी तो ये काफ़ी ईजीली और मतलब दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और ये बीच में ही फोकस जाएगा। अगर मैं इसके बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूँगी तो आप ही देखिए, यहाँ पे मैं जितना भी डार्क की हूँ उसमें स्टैचू और भी ज़्यादा लाइट लग रही है और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छे से ग्रेफाइट पाउडर बहुत अच्छे से ऑप्ट हो रही पेपर में। जब आपकी स्केच या फिर पोर्ट्रेट लाइट शेड की होगी तो आप बैकग्राउंड ब्लैक डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपकी पोर्ट्रेट और जो भी है वो लाइट रहेगी, आई मीन डार्क रहेगी, तो बैकग्राउंड अगर आप वो भी डार्क दे दोगे तो दोनों मिक्स होके बहुत ख़राब दिखेगा। बहुत तो नहीं बट उतना भी अच्छा नहीं दिखेगा। बट आप यहाँ पर देख रहे हो मेरी सिस्टर भी मुझे बहुत हेल्प कर रही थी इसमें। यार ये काफ़ी जल्दी हो गई थी तो मैं यहाँ पे आउटलाइन टिश्यू पेपर से करती थी, मे बी इसके फेस भी ख़राब हो जाता, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपने पेंसिल से जहाँ भी खाली था वहाँ पे भर दे रही हूँ। और मैं इतना ही रहने दूँगी इसके ऊपर, मैं और पेंसिल नहीं चलाऊँगी क्योंकि मुझे इतना में ही काफ़ी अच्छा लुक मिला। तो मेरा स्केच यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जैसे ही मैंने इसे इसका बैकग्राउंड ब्लैक किया। तो और इसके पहले तो आप एक वीडियो देखे ही होंगे कि बैकग्राउंड को ब्लैक करने में मुझे ज़रा भी मेहनत नहीं लगा। और आप ग्रेफाइट पाउडर को घर पे बना सकते हो अपने पेंसिल को सैंड पेपर के ऊपर रब करके या फिर बहुत सारे मेथड्स है इसको ग्रेफाइट पाउडर बनाने में। Watching this video, if you like this video then give thumbs up and subscribe to my channel.